नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएससी ओमेन वर्सेस केएससी ओमेन, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ओमेन, जिन्होंने ना लीग टेबल में फिलहाल सबसे ऊपर है, 10 मैच खेला है, 8 मैच विन किया इन्होंने। एमएससी ओमेन वर्सेस केएससी ओमेन के बीच जो खेला जाएगा आज का दिन का, जिन्होंने केएससी ओमेन ने 10 मैच खेला है, 4 जीता है और 6 मैचेस हारे हैं, ठीक है। आज का दिन का ये पहला मैच होगा और ये ना फर्स्ट सेमीफाइनल होगा 2022 बेंगल ओमेन्स T20 चैलेंजेस का। मुझे लगता है एमएससी ओमेन को ये मैच जीतना चाहिए, बट केएससी ओमेन से कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर ना मैच घुमा सकता है। कौन से वो प्लेयर है, ध्यान से आप अगर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पूरा देखना अच्छे से, साथ ही साथ कंफर्म करना, इसके बाद त्रिपुरा के कवरेज अगर हम लोग लाए या फिर बर्बाडोस T10 का करेंटली चल रहा है वो एंड होते ना नेचर आईसीएल T10 स्टार्ट होगा। अगर ये न्यू सीरीजेस आपको खेलना है तो चैनल को आप कर दो सब्सक्राइब और आप ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे फॉर फाइनल अपडेट फॉर फ्यूचर अपडेट। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ब्लू कलर का, उसको प्रेस करना है और रीडायरेक्ट होना है टेलीग्राम पे। चाहो तो कमेंट सेक्शन वाले लिंक से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। आता हूँ मैं एनालिसिस सेक्शन में। दोस्तों लाइक करके स्टार्ट रखना, 8:45 में ये मैच स्टार्ट होगा, क्लियर वेदर रहना चाहिए और ये जो पिच है ना फ्रेश तो नहीं है बट न्यूट्रल ट्रैक है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। बट वुमेन्स क्रिकेट में ना आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा परचेस मिलता है। सीरीज ओवरव्यू, 28 मैचेस में 17 बैट फर्स्ट, 11 बैट सेकंड ने विन किया अब तक। एमएससी ओमेन से अगर देखोगे लास्ट दो मैच अगर ऐड कर लेते हो ना तो दोनों मैच में क्या हुआ था, एक बैट फर्स्ट ने विन किया, एक बॉल फर्स्ट ने विन किया, मतलब टोटल 30 मैचेस हो चुके हैं जहाँ पे ना 18 बार बैट फर्स्ट ने, 12 बार सेकेंड इनिंग चेजिंग ने विन किया। एमएससी ओमेन ध्यान दो, इनका अच्छा खेलने का रीज़न क्या पता है, इनका टीम गेम अच्छे से देखोगे तो दूती पॉल ने 67-46 25 रन का नॉक खेला है, अंकिता ने 1-64 का नॉक खेला है 1-36 का और 26-29 ठीक ठाक रन बना रहे हैं कंसिस्टेंटली। सुष्मिता पॉल कभी 2 विकेट लेके जाती है, कभी दीपा दास परफॉर्म कर जाती है, तो इनके पास ना वो गाइस फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई ना कोई परफॉर्म कर ही जाएगा। स्टार परफॉर्मर इस टीम से कौन सा है आपको नहीं दिखेगा बैटिंग सेक्शन में, बट बॉलिंग सेक्शन में गौहर सुल्ताना, डेथ बॉलिंग साथ ही साथ हिटिंग, एक प्लेयर आ चुके हैं आपके लिए। दूसरा प्लेयर, स्टार प्लेयर मैं बोल रहा हूँ बॉलिंग सेक्शन से, प्रिया पांडे, क्योंकि एक बार 4 विकेट, एक बार 3 विकेट, एक बार 2, दो बार 2 विकेट है, दो प्लेयर, और तीसरा श्रेयस अय्यर, तीनों बॉलर अच्छा है, मतलब इस टीम का बॉलिंग यूनिट ना वेरी वेरी डिसेंट है। इनके साथ ऐड करो तौपतीय पॉल का करेंट फॉर्म, लास्ट 4 मैच में इन्होंने विकेट निकाला और लास्ट मैच में तो ये टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग आया, मुझे नहीं लगता करेंगे बट आए थे, तो ये 5वां पिक आ चुके हैं हमारे पास। छठा पिक कौन है गाइस इस टीम से, मैं मानता हूँ कि गाइस अगर आप ये 4-5 प्लेयर अगर देख लो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गौहर एक, दूसरा तौपतीय, तीसरा प्रिया पांडे, चौथा श्रेयस अय्यर, ये 4 मस्ट पिक है। इनके साथ अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ तो अंकिता दूती पॉल भी डिसेंट पिक, वीकी सेक्शन में दूती पॉल मिलेंगी, रख सकते हो आप आराम से। अंकिता बर्मन ये विकेट थ्रो करेंगे नहीं, है बैटिंग सेक्शन में तो रख लेना। दीपा दास अगर बैटिंग फर्स्ट होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, शायद आपका ओपोनेंट सोचेगा ये बंदा बंदी है और ये दीपा जी नीचे खेलेंगी तो इनको ड्रॉप कर देंगे, बट आप मत करो। 47, 26, 34, 44, 24 इन्होंने रन बनाया अच्छा खासा, बैटिंग फर्स्ट मस्ट पिक है, बैटिंग सेकंड भी रख सकते हैं एक प्लेयर। दूसरा प्रीति मंडल, अगर बैटिंग सेकंड ही टीम कर रहा है तो आप प्रीति मंडल के साथ जा सकते हो, क्योंकि देखो प्रीति मंडल और दीपा में एक डिफरेंस है, दीपा आपको सिर्फ बैटिंग से पॉइंट देंगी बट वो कन्फर्म पॉइंट देंगी, और प्रीति से कन्फर्म नहीं हो आप, बट हाँ ये बॉलिंग से बॉलिंग भी कराएगी, अगर 2 विकेट मिल गया तो बॉलिंग फर्स्ट प्रीति को ट्राई कर सकते हो, बैटिंग फर्स्ट दीपा को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इस टीम से अगर देखोगे ओपनिंग बॉलिंग प्रीति, प्रिया, मल्लिका, डेथ में गौहर, श्रेयसी प्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्राईओ को आप छोड़ नहीं सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकंड, गौहर श्रेयसी प्रिया को फास्ट रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं फिलहाल। केसीओ में से ध्यान दो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का, मैं जो बात कर रहा था सुष्मिता, सुमित विश्वास, इंडिविजुअली देखो 98, 38, 29, कई मैच तो सिंगल एनली जीता है, जैसे कि लास्ट मैच 98, उससे पहले एक बार 78, दो प्लेयर आ चुके, एक प्लेयर। दूसरा प्लेयर मेरे हिसाब से साइका इशाक, इंडिविजुअल परफॉर्मर है और बढ़िया कैप्टन भी है, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कमाल का कैप वी सी पिक है, मैं तो जरूर पसंद करूंगा, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो साइका को कैप वी सी बनाऊँ जरूर से, बैटिंग फर्स्ट हुआ तो सुष्मिता को, दो प्लेयर आ चुका है। तीसरा प्लेयर अब मैं किसको मानता हूँ, मैं ना तीसरा प्लेयर इनकी एक बॉलर है, कहाँ गया वो, इप्सिता साहा, ये भी आपको कंसिस्टेंटली विकेट लेते हुए दिख रहे हैं, तो इनका इप्सिता जी को आपको लेना है कब, बॉलिंग फर्स्ट में, सेकेंड इनिंग्स में मस्ट पिक नहीं है बट बॉलिंग फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। इन्हीं के साथ अगर आप ऐड कर लोगे तो गाइस अंकिता चक्रवर्ती को बैटिंग फर्स्ट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इनका 30, 25, 36, 19 एक्सपीरियंस है प्लेयर, तो अंकिता बैटिंग फर्स्ट या फिर बॉलिंग फर्स्ट, झुंपा बॉलिंग फर्स्ट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बॉलिंग से ज़्यादा कंसिस्टेंट है कम्पेयर टू बैटिंग,
तो बॉलिंग फर्स्ट झुंपा, बैटिंग फर्स्ट अंकिता ऐसा ट्राई कर सकते हो, या फिर इप्सिता से भी ज़्यादा झुंपा सेफ है, बट अगर विकेट टेकिंग नेक देखोगे इप्सिता का साथ ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से इप्सिता ज़्यादा बेटर पिक है। और या फिर आप मानो कि बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो इप्सिता, बैटिंग फर्स्ट हुआ तो अंकिता, झुंपा को आप कर दो मस्ट पिक, ठीक है, क्योंकि ये बैटिंग से भी पॉइंट देंगे। ये रहेंगे कुछ पिक्स, बाकी गाइस प्रियंका, पायल वगैरह, पायल अब तक लास्ट मैच में फाइनली इनको विकेट मिला, उससे पहले हर मैच में विकेट लेस है। प्रियंका प्रसाद अगर लेना है तो बैटिंग फर्स्ट वन साइडेड टीम में ट्राई कर सकते हो आप, ऐसे कुछ चेंजेस करना है। सलमा खातून बॉलिंग फर्स्ट ट्राई करना है तो करो वन साइडेड में। नमिता मंडल को ट्राई करना है तो बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करो, वन साइडेड में ही बता रहा हूँ क्योंकि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है, स्मॉल लीग मुश्किल होगा। और अजिंक्य मैथी ने लास्ट मैच में दो ही ओवर कराया था। ओपनिंग बॉलिंग झुंपा, इप्सिता, अद्रिजा तो है नहीं फिलहाल, झुंपा, साइका, इप्सिता आपको डेथ में करते हुए देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डेथ में साइका का स्पेल, जहां पे विकेट इनको मिलता है, तो मैंने फिलहाल साइका को कैप्टन, बीसी सुमित विश्वास, इप्सिता शायद झुंपा रहा है। देखो मैंने इस टीम से चार प्लेयर लिया क्योंकि इनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा चलता है और ये टीम गेम चलते हैं, तो इनके मैं इतने सारे प्लेयर्स ले लिया, टी पॉल, पी पंडे, गौर सुल्ताना दोस्तों, ओ एंड इनके साथ ऐड करेंगे हम लोग श्रेयसी आइच, दीपा, बैटिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, बैटिंग सेकंड में भी रोटेट करने का चांस ले सकते हो, दूति पॉल, अंकिता बर्मन। तो दोस्तों ये रहेगा फिलहाल टीम, कोई भी और अपडेट होगा, डेमो टीम होगा, शेयर हो जाएगा आपके साथ टेलीग्राम पे, जुड़ जाना टेलीग्राम, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, थैंक यू, मिलते हैं मैच टाइम पे।